अपनी साली किस्मत ही खराब है, आज वाली बस्ती आधा घंटा से 45 मिनट लेट है यार, भगवान ऐसा क्यों हो रहा है बार बार मेरे साथ। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना मेरी बस अभी तक यार। फाइनली हमारी बस आ चुकी है और ये है बस का अंदर का लुक। लाइटनिंग बिल्कुल सही है, ऑन पॉइंट लाइटनिंग है, मतलब लाइटनिंग बहुत अच्छी की हुई है बस के अंदर। प्रॉपर सीट नंबर लिखी हुई है हर जगह। सफ़र शुरू होते ही हमें मिली ठंडी पानी की बॉटल फॉर अ चेंज। राजस्थान मानसून के मौसम में कितना ज़्यादा सुंदर लगता है, बिल्कुल मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी, लगता ही नहीं कि आप राजस्थान में हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति राव व्लॉग। मेरा नाम है हरीश। नया दिन नया सफर, जी हाँ, आज मैं फिर लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार सफर आप लोगों के साथ, क्योंकि आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली टू सिटी ऑफ लेक्स एंड पैलेसेस। सही समझे, मैं आज जा रहा हूँ दिल्ली टू उदयपुर, और मेरा जो आज का जो सफ़र है वो शाम 8 बजे दिल्ली महिपालपुर से शुरू होगा, क्योंकि मेरा वही बोर्डिंग पॉइंट है और बस मुझे सुबह 8 बजे उदयपुर ड्रॉप कर देगी। बस का जो किराया है वो मात्र 600 रुपये मुझे पड़ा है, 600-650 रुपये मुझे पड़ा है। और इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा आपको भी हेल्प कर सकती है अगर आप भी इन फ्यूचर बस से जर्नी करते हैं। तो देखिए, बात ऐसी है, मैं अपने ट्रैवल के लिए, अपने बस जर्नी के लिए मैंने एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड की है, वो है रेड बस की एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन बसेस की बुकिंग करने के लिए अक्रॉस इंडिया चलती है। तो मेरा जितना भी अभी तक का ट्रैवल हुआ, जितना भी मैंने अभी तक ट्रैवल किया है, मैंने सारी सीट्स बुकिंग इसी रेड बस से करी है बस के लिए। तो मैंने 4 दिन पहले दिल्ली टू उदयपुर की एक बस बुक करी थी रेड बस से, और बुकिंग के टाइम पे मैंने 1200 रुपये दिए थे, लेकिन उस बुकिंग के टाइम पे 40 रुपये एक्स्ट्रा पे करने से, आप अगर रेड बस को एक एप्लीकेशन वालों को 40 रुपये अगर एक्स्ट्रा पे करते हो तो उसमें एक बेनिफिट होता है जो मुझे लगता था कि फेक ही है, ऐसा कोई बेनिफिट होता नहीं है। उसका बेनिफिट ये है, अगर बस ऑपरेटर, जिस बस से आप जा रहे हो, अगर वो बस ऑपरेटर अगर बस कैंसिल कर दे एंड मूवमेंट पे, तो आपका तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपने आगे बुकिंग करी हुई, आपका सारा प्लान है, वो सब कुछ चौपट हो सकता है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो उस बस पे। तो उससे बेनिफिट यही है कि आपको बस ऑपरेटर की तरफ से कैंसिल की हुई बस पे टिकट का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस रेड बस वाले भी आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं। और ऑनेस्टली वो 500 रुपये मुझे आज मिले रेड बस वालों की तरफ से, आई एम रियली सरप्राइज एंड रियली हैप्पी, क्योंकि जो टिकट के लिए मैंने 1200 रुपये पे किए थे उसका 500 रुपये मुझे रिटर्न आ गया, और मैंने वही पैसा यूज़ करते हुए वापस उदयपुर का टिकट बुक कर लिया दूसरी बस का। तो मुझे जो टिकट पड़ी वो कितने की पड़ी, 650-700 रुपये की टिकट पड़ी, और उसी सेम टिकट का मैंने 1200 पे किया था। तो ये तो बेस्ट चीज़ हो गई मेरे लिए। तो मतलब पहले तो आई एम वॉज सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैंने जो बस की थी उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर बाई चांस मुझे रेड बस पर दूसरी एक बस और मिल गई है जिसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा लेट चल रही है 8 बजे, क्योंकि मैंने जो पहले बुक करी थी बस वो शाम को 6 बजे चल रही थी और सुबह 6 बजे ड्रॉप कर रही थी। तो आई थॉट कि कोई बात नहीं, 8 बजे अगर निकल रहे हैं, सुबह 8 बजे बस अगर ड्रॉप कर रही है तो वही 12 घंटे का सफ़र है, और दिल्ली से आप पिकअप है, वो भी बस हमें दिल्ली से ही पिकअप कर रही थी। तो ओवरऑल 500 रुपये का फ़ायदा हुआ। दूसरा, इस जो ये बस होगा, जो ये सफ़र होगा दिल्ली टू उदयपुर का, उसका सारा एक्सपीरियंस, बस का इंटीरियर, बस की सीट्स कितनी कंफर्टेबल है, जहाँ बस रुकी थी क्या वो प्लेस हाइजीन थी, मतलब वॉशरूम बहुत गंदे होते हैं, जो ये बस वाले होते हैं ये ऐसी जगह रोकते हैं खाने पीने के लिए जहाँ पर वॉशरूम की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है, वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, बस कितनी कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू उदयपुर, तो बहुत सारे लोग तो ट्रेन से चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बस को भी ऑप्ट करते हैं, तो क्योंकि बस से ट्रैवल करना एक सही डिसीजन है या नहीं, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, और मुझे आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए। दूसरा, मैंने उदयपुर में एक होटल बुक किया है जो मुझे लगता है मेरे अभी तक की होटल जर्नी की बेस्ट डील रही है, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जितने भी रिव्यूज देखे हैं 4.5 में से 4 स्टार उसको मिले हुए हैं, 700-800 कस्टमर्स ने उसको रिव्यूज अच्छे दिए हुए हैं, और 1600 रुपये में इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट दो लोगों के लिए। तो आई थिंक बेस्ट है कि अगर कोई कपल अगर प्लान कर रहा है, कोई अपने हनीमून पे जा रहा है, या कोई भी यार उसको अच्छा सस्ता होटल चाहिए उदयपुर जैसे शहर में जहाँ पर
होटल्स के दाम 10,000-15,000 होते हैं, वहां पर आपको एक 1600 रुपए बहुत अच्छा एक हेरिटेज प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस होटल का जहां पर मैं स्टे करूंगा कल, उसका जो मतलब रूम का पूरा ओवरव्यू, होटल के जितना स्टाफ और खाना पीना, उसका सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ यार सही डील है, तो आप भी इन फ्यूचर अगर दिल्ली टू उदयपुर ट्रैवल कर रहे हैं तो सेम होटल को बुक कीजिए। तो मेरा इस वीडियो का मोटो यही रहेगा कि दिल्ली टू उदयपुर जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बस से, वो बस की जर्नी का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दूसरा, जिस होटल में मैं रुकने वाला हूँ उसके बारे में आपको मैं इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दूँ, पूरा ओवरव्यू दूँ। और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अभी शाम के 6 बज गए, मेरी कैब किसी वक्त भी आने वाली है, और मेरे घर से शिव मूर्ति जहाँ से मेरा बस पिकअप है वो ऑलमोस्ट आधा घंटा 45 मिनट की दूरी पे है। बट शाम को जब ट्रैफिक हो जाता है तो और ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने वैसे ही 2 घंटे पहले ही बस वापस मतलब कैब बुला ली है कि यार 1 घंटा पहले पहुँच जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बस नहीं मिस होनी चाहिए क्योंकि पहले ये कैंसिल हो चुकी है। तो मेरी बस किसी टाइम पे भी आने वाली है, मेरी कैब किसी वक्त भी आने वाली है, और जस्ट कैब में बैठेंगे और पहुंच जाएंगे अपने बोर्डिंग पॉइंट पर, करते हैं अपना फिर सफ़र शुरू। और आप बने रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो जैसे आपको कहा, आपके भाई की वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आप लोगों से। तो मैं कैब करके निकल चुका हूँ अपने बस बोर्डिंग पॉइंट की तरफ। और दोस्तों, जिस किसी को पसंद है ऐसे प्लेन्स को अपने ऊपर से जाते हुए देखना, अगर आपको पसंद है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दूसरा, मैं पहुंच चुका हूं अपने बोर्डिंग पॉइंट, और हमारा जो बोर्डिंग पॉइंट है इस बस का वो बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम अपने भोलेनाथ के द्वार से ही बोर्डिंग पॉइंट करेंगे, क्योंकि हमारा पिकअप यहीं से है। तो हमारा पिकअप रात को 8 बजे है, तो सोचा आ क्यों ना मैं आप लोगों के एक बार दर्शन करा दूँ भोलेनाथ की। और मैं मेरी प्रार्थना और मनोकामना रहेगी कि आपके और आपके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूरी हों, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, मुझ पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, और आप लोगों का मुझे प्यार मिले बहुत बहुत बहुत। और उस प्यार के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कितना प्यारा सनसेट है दोस्तों, देखिए। फाइनली 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारी बस आ चुकी है। 8:10 का पिकअप था और अभी बज रहे हैं 9, और मैं लेके चलता हूँ आपको बस के अंदर और दिखाता हूँ बस का इंटीरियर कि कैसा है बस का इंटीरियर, जिसमें आज हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू उदयपुर। 12 घंटे की जर्नी होने वाली है, उम्मीद करता हूँ कि मैं 8:30 तक पहुँच जाऊँ उदयपुर। तो लाइटनिंग काफ़ी अच्छी है, प्रॉपर सीट्स के लिए लिखा हुआ है, नंबर दिए हुए हैं, वाइट बेडशीट है, साफ़ लग रही है, वहाँ पर बैग रख सकते हैं। ये एसी वेंट है, ये लाइटिंग के लिए लगी हुई है, 2 एसी वेंट लगे हुए हैं क्योंकि ये 2 लोगों की सीट है, प्रॉपर साफ़ सुथरा लग रहा है। बाकी अपनी सीट देखते हैं, अपनी सीट कैसी है, मतलब ये प्रॉपर एसी स्लीपर बस है। इसका फेयर जैसे मैंने बताया मुझे सिर्फ मात्र 650 रुपये पड़ा है, और यहाँ पर भी कोई मेरे ख्याल से रेस्ट कर सकता है, और ये आपका भाई। बाकी ये है अपनी सेटिंग जिसमें आज हम बैठ के और लेट के जाएंगे उदयपुर, वहाँ पर लगा हुआ एसी वेंट, और बाकी इन डिटेल मैं आपको अभी अंदर बैठ के बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, अपना जो सफ़र है दिल्ली टू उदयपुर का शुरू हो चुका है, मैं बस में बैठ चुका हूँ। बस 45 मिनट लेट थी, 8:10 का पिकअप था, बस ने मुझे 8:55 पे पिकअप किया है। बात करें मैं अपनी सीट की, बात करूँ मैं सेटिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे ये देखिए ये चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है जो सही है, ये एसी वेंट दिए हुए हैं, ये अपना लाइट है, लाइट मतलब ये भी है, ये भी ऑप्शन है जो चीज़ बहुत अच्छी है। ब्लैंकेट का जो है मुझे वो साफ़ लगे, मतलब क्लीन ब्लैंकेट है, और सामान इधर रख सकते हैं, मतलब ये बैग उठा के आप उधर रख सकते हो। दूसरा, बस एक चीज़ पसंद नहीं आई है, ये जो लाइट जो चली हुई है ना, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, क्योंकि अगर मुझे बाहर कुछ रिकॉर्ड करना है तो ये लाइट फ़ोन पर पड़ रही है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी अगर मैं बात करूँ तो कम्फर्ट की, तो भैया कम्फर्ट तो मतलब मेरी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अरे मतलब टांगे सीधी करने में, बाकी कंफर्टेबल है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि सुबह जो टाइमिंग है ड्रॉप पॉइंट अबाउट, मतलब जो जितने बजे बस ड्रॉप करेगी उस टाइम पे बस ड्रॉप कर दे, और अभी बस 2 घंटे के बाद शायद डिनर के लिए कहीं रुकेगी, तो देखते हैं मतलब कहाँ रुकती है, कैसा रेस्टोरेंट होगा, क्या मतलब जो वॉशरूम है वो कितने क्लीन है वहाँ पर। बाकी आप बने रहिए, और ये दिल्ली टू उदयपुर का सफ़र आप लोगों के साथ पूरा करेंगे,
और जैसे कि मैंने बताया था उदयपुर का जो होटल है जो मुझे बहुत ही अमेजिंग डील मिली है उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर इन फ्यूचर आप भी प्लान कर रहे हैं दिल्ली टू उदयपुर तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं गुड़गांव एम्बियंस मॉल। एम्बियंस मॉल और पूरा गुड़गांव साइबर सिटी रात को इतना सुंदर लगता है ना गाइस, तुम खुद देखो, मतलब लुक एट दिस। ये रिसेंटली एक नई बिल्डिंग बनाई है DLF, इसको डाउनटाउन बोलते हैं, जैसे दुबई में डाउनटाउन है वैसे ही। लुक एट इट, कितनी सुंदर लाइटनिंग है, आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप गुड़गांव में है, मतलब कितना सुंदर लग रहा है। बाकी इसके आगे थोड़ा सा आगे अगर आप चलेंगे तो वहाँ पर है DLF साइबर हब, जान और शान गुड़गांव की DLF साइबर हब। इससे अच्छी जगह पूरे गुड़गांव में नहीं है। कॉरपोरेट ऑफिस, मतलब वो लोग किस्मत वाले हैं जिनके ऑफिसेज DLF साइबर हब में हैं। ट्रस्ट में, मेरा भी एक ड्रीम है कि मेरा भी ऑफिस DLF साइबर हब में एक दिन हो, मैं भी रोज सुबह उठूँ और साइबर हब जाऊँ, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है ना, मतलब यहाँ के रेस्टोरेंट्स, यहाँ का पूरा कॉरपोरेट कल्चर इज़ अमेजिंग। आप सामने देख सकते हैं ये मेट्रो लाइन है, क्योंकि यहाँ पर पहले आएगा DLF साइबर हब मेट्रो स्टेशन। ये वाला मेट्रो स्टेशन है, ये कनेक्टिंग है आपका, अपना दिल्ली भी जाता है, अपना 56 सेक्टर की तरफ भी जाता है, साइबर सिटी आला है। वैसे ये नीचे साइबर हब है, इसको साइबर सिटी और DLF साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन बोलते हैं, और ये पूरा साइबर हब है दोस्तों। मतलब रात की जो लाइटनिंग, और प्लस आज तो वैसे भी फ्राइडे है, फ्राइडे नाइट तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रंगारंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। फुल ऑन ट्रैफिक होगा, फुल ऑन पब्लिक आई होगी अपने वीकेंड्स को इन्जॉय करने के लिए। जो कॉरपोरेट होगा सारा यही होता है 9 to 2, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे जो काम करते हैं ना, वो मेक श्योर कि 5 बजे के बाद निकल के यहाँ पर इन्जॉय करें। दूसरा, वो अभी हम पहुँच चुके हैं सोना एलिवेट रोड, जिसको रिसेंटली ही आई थिंक कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये कनेक्ट करेगा मुंबई एक्सप्रेस वे से हमें। हम और मेरा इसी रोड पे ही मेरा ऑफिस है, मतलब आई थिंक यहीं सेक्टर 48 है और मेरा ऑफिस सेक्टर 48 में है। रात का लेकिन गुड़गांव का जो व्यू है आप देखो, मतलब कितना सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि आप गुड़गांव में, ऐसा लग रहा है कि आप शायद मुंबई में हैं या बाहर किसी कंट्री में हैं। और अभी बस रुकी है कुछ सफ़र चलने के बाद डीजल डलवाने के लिए, के ना 10 बज चुके हैं और अभी तक हम मुंबई एक्सप्रेस वे पे भी नहीं चढ़े, हमने टोल भी क्रॉस नहीं किया है और बस यहाँ पर रुकी है डीजल डलवाने के लिए। यहाँ से बस थोड़ी देर में ही हम चलेंगे और हम श्योर कि हम लेट होने वाले हैं, बाकी देखते हैं। लेकिन जो है 12:15, हम 140 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम आधे घंटे के लिए यहाँ मुंबई एक्सप्रेस वे के जो साइड में जो ढाबे बने हुए हैं वहाँ रुके हैं डिनर करने के लिए, और सफ़र यहाँ से सही आधे घंटे में शुरू होगा। जिसको खाना पीना करना है वो खाना पीना कर सकता है, वॉशरूम जिसको जाना हो जा सकता है, लेकिन वॉशरूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बाकी खाना पीना भी ठीक ही है क्योंकि सारी बसेस यहीं पर रुकती हैं। अभी तक का सफ़र ठीक रहा है क्योंकि मैं तो सो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मेरी आँख लग गई थी क्योंकि 2 घंटे मैंने वहाँ पर बस स्टॉप पे, जो जहाँ से बस मैंने बोर्ड की थी, मैं वहाँ पर बस का वेट कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अभी आधे घंटे में सफ़र शुरू होगा और फिर आई थिंक अब सुबह जब बस रुकेगी तो बस अब उदयपुर ही रुकेगी। बाकी आप वीडियो पर बने रहिए। और तो ये है व्यू, जैसे बसेस यहाँ पर, सारी बसेस यहाँ पर ही रुकती हैं, जो भी अगर अहमदाबाद जा रहा है, उदयपुर जा रहा है, कहीं पे मुंबई एक्सप्रेसवे से जा रहा है, तो ये रेस्टोरेंट है, साथ में वॉशरूम है। जैसे मैंने बताया वॉशरूम बिल्कुल भी क्लीन नहीं था, खाना भी मैंने जब देखा मेन्यू तो इतना कोई खास नहीं लगा। बाकी हम निकल चुके हैं अपने सफ़र की तरफ, वापस अपनी मंजिल की तरफ उदयपुर, और अभी मैं सोने वाला हूँ, मैं आप लोगों को मिलूँगा सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5:30 हो गए हैं और अभी हम अजमेर के आसपास कहीं विजयनगर NH 48 वहाँ रुके हैं एक ढाबे पे। बस ये घड़ी पीछे वही वॉशरूम, किसी को जाना हो, चाय नाश्ता किसी को करना हो, क्योंकि इसके बाद सीधी बस रुकेगी उदयपुर। मैं तो मस्त सोया हूँ पूरे रास्ते, भाई साहब ये तो इन्होंने उठाया है कि भैया उठ जाओ, इसके बाद बस रुकेगी, नहीं फिर उसके बाद वॉशरूम जाना होगा, दिक्कत होगी। तो सफ़र अभी तक का ठीक था, मतलब बढ़िया एसी चल रहा है, आराम से सोए हैं, और राजस्थान अजमेर तो पहुंच ही गए हैं। उसके बाद अब मैंने यहाँ से देखा कितना डिफरेंस है, यहाँ से तीन घंटे 20 मिनट का डिस्टेंस अभी है, और ऑलमोस्ट कितना 150-200 किलोमीटर बचा हुआ है। हमने आई थिंक 450 किलोमीटर अभी तक का कवर कर लिया है,
और बस अब मैं चाय वाय पी लेता हूँ और फिर उसके बाद अपना सफ़र उदयपुर का वापस से शुरू होगा और फिर हम आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं। थोड़ा हाईवे का थोड़ा सा सुबह जैसे ही सूर्यदेव निकल आएंगे थोड़ा सा आपको बाहर का भी व्यू दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं है। बाकी खंबा गणी दोस्तों, और वापस से आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करेगा, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बस, आपको एक बटन दबाना है, ठीक है जी। तो अभी बजे सुबह के 7, और अगर आप व्यू की बात करो तो राजस्थानी लगता है, ऐसा लगता है कि आप महाराष्ट्र में कहीं घूम रहे हो, कितना सुंदर है। सुबह के 9 बजने वाले हैं, बस को 8:10 पे उदयपुर ड्रॉप करना था, ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है, और यहाँ से भी आई थिंक अभी 1/2 आवर और लगेगा, तो वही 9:30-10 बजे तक ही पहुँचेंगे। यही प्रॉब्लम है यार, मतलब बस जर्नी में यही प्रॉब्लम है कि जो रिस्क है लेट पहुंचने का वो बहुत ज़्यादा है। बाकी देखते हैं अभी कितनी देर में पहुंचेंगे यार, मतलब आई होप कि 9:30 तक पहुँच जाए ताकि 10 बजे तक चेक इन कर लूँ। कुछ खाए नहीं यार सुबह से यार, बस बड़ी दुर्गति हो जाती है यार। यार मतलब सीरियसली बताऊं, जब भी मैंने अभी जितनी बार भी ट्रैवल किया है महाराष्ट्र, तो अभी मैं मतलब ऐसा व्यू महाराष्ट्र में होता है मानसून के टाइम में, जो अभी व्यू है राजस्थान में, मतलब कितना ज़्यादा सुंदर हो जाता है यार, कि सारा ग्रीनरी, माउंटेन्स, वेदर इज़ अमेजिंग। मुझे मतलब ऐसी वाइब, ऐसा फील, ऐसा व्यू मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे जब मैंने ट्रैवल किया था तब देखा था मानसून के टाइम पे, और अभी देख रहा हूँ, कमाल है यार। एंड दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं उदयपुर, फाइनली 10 बजे, सुबह के 10 बजे बस ने हमें ड्रॉप किया। तो बस ने हमें 10 बजे ड्रॉप किया, 2 घंटे बस लेट थी। अब लास्ट बस स्टैंड से ऑटो लिया है, ऑटो की सवारी कर रहे हैं, और यहाँ से आई थिंक 10 से 15 मिनट लगेंगे होटल पहुँचने में। सफ़र सही था, कम्फर्टेबल था, लेकिन ये 2 घंटे का जो डिले है वो सही नहीं है। बाकी अगर मैं मुझे बस को रिव्यू देना हो 10 में से मैं कितने नंबर दूंगा, तो आई थिंक मैं बस में 10 में से 6.5-7 नंबर दूंगा। एक तो डिले की वजह से, और थोड़ा सा क्लीनिनेस भी इतनी नहीं थी, जहाँ पर रोका भी था बस वालों ने, खाना पीना और जो रेस्टरूम जो वॉशरूम थे वो भी इतने साफ नहीं थे, तो बस 6-7 नंबर में, मतलब मैं ट्रैवल नहीं करूँगा सेम बस से अगर मुझे उदयपुर आना होगा, तो मतलब मैं कोई और बस ढूंढूंगा वापस, मैं इस बस में नहीं आने वाला हूँ। तो अभी होटल जा रहे हैं मैं, बाकी आपको एक बार होटल का अंदर से रूम का व्यू दिखा दूंगा जिसके बारे में मैं आपको बोलता आया हूँ। तो फाइनली मैं होटल पहुँच चुका हूँ, इस होटल में मैं रुक रहा हूँ आज, इसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उदयपुर अपने रूम में। भाई साहब मजे आ गए यार, मतलब रूम बहुत अच्छा है, वेरी ऑनेस्टली सेइंग रूम बहुत अच्छा है। अगर आपको 1600 रुपये में इतना क्लीन एंड नीट रूम अगर मिल जाए ना, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा, बस 2 घंटे लेट थी, जो बस जर्नी थी पूरी, 1 मिनट, हाँ जी रख दीजिए प्लीज, थैंक यू। टावल होंगे अंदर इसमें? ठीक है, थैंक यू सो मच।
तो जो बस जर्नी थी वो कंफर्टेबल थी, लेकिन 2 घंटे बस लेट यार, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी मैं इस बस में वापस ट्रैवल नहीं करूंगा। बाकी अपना सफर यहाँ तक ही था आज का, दिल्ली टू उदयपुर बाय स्लीपर बस। मैंने रूम का व्यू आपको दिखा दिया है प्रॉपर। मैं होटल का एक इन डिटेल वीडियो बना के नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट करूंगा, ताकि आपको प्रॉपर अंदर से लेके एंटर करने से लेके रूम तक के रेस्टोरेंट से सब चीजें मैं कवर करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।